नमस्कार, मैं गौरी और आप सभी देख रहे हैं सी न्यूज भारत। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है और आज सत्र का तीसरा दिन है। वहीं बीते दिन स्पीकर के नाम का भी ऐलान हो गया। कोटा से सांसद और भाजपा नेता ओम बिरला को दूसरी बार स्पीकर बनाया गया है। वहीं नव निर्वाचित लोकसभा सदस्यों के शपथ ग्रहण और स्पीकर चुनाव के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित कर रही हैं। इन सबके बीच संसद में स्थापित किए गए सेंगोल पर सियासत गर्मा गई है। जी हाँ, विपक्षी दलों ने संसद भवन में स्पीकर के आसन के पास रखे सेंगोल को हटाने की मांग शुरू कर दी है। समाजवादी पार्टी ने सेंगोल को राजशाही का प्रतीक बताते हुए उसे हटाकर उसकी जगह संविधान को स्थापित करने की मांग की है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई है। आप भी देखिए। हंगामे के बीच लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई है और इसी बीच एक नया बवाल शुरू हो गया है, वो है सदन में रखे सेंगोल को हटाने का। संसद में इंडिया गठबंधन की संख्या बढ़ते ही विपक्षी दलों के सांसद अपनी हर वो बात मुखरता से कह रहे हैं जो वो पिछली सरकार में नहीं कह पा रहे थे। इसी बीच मोहनलालगंज से समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद आर के चौधरी ने एक नई मांग करते हुए बहस छेड़ दी है। उन्होंने स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर संसद में लगे सेंगोल पर सवाल उठाते हुए उसे हटाने की मांग की है और उसकी जगह संविधान को रखने की मांग की गई है। बता दें, सेंगोल दरअसल सोने की छड़ी है जिस पर पारंपरिक कलाकृति बनी है। इसके सिर पर नंदी विराजमान है। सेंगोल का चोल वंश से गहरा नाता होता है। चोल काल के दौरान राजाओं के राज्याभिषेक समारोह में सेंगोल का बहुत महत्व था। ये एक भाले या ध्वज दंड के रूप में कार्य करता था, जिसमें बेहतरीन नक्काशी थी। सेंगोल को अधिकार का प्रतीक माना जाता था, जो एक शासक से दूसरे शासक को सत्ता सौंपते वक्त देता था। गौरतलब है कि नए संसद भवन में सेंगोल को स्थापित किया गया था। इस सेंगोल को देश को आजादी मिलने के वक्त 14 अगस्त 1947 की रात अंग्रेजों ने सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक स्वरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा था। बता दें, बाद में ये कई हाथ से होते हुए गुमसी हो गई, जिसके बाद मोदी सरकार ने इसका पता लगवाया और फिर तमिलनाडु के एक मंदिर से इसे लाया गया। मोदी सरकार ने इसे बड़े ही धूमधाम से स्थापित किया था, लेकिन अब सपा सांसद ने इस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और सवाल खड़े कर नई बहस को जन्म दे दिया है। अब ये विवाद कहां तक जाता है, ये देखने वाली बात होगी। और ये ऐतिहासिक सेंगोल सदन से हटाया जाता है कि नहीं, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।